असुस लेकर आ चुका है अपना नया ब्रांड न्यू फोन जो कि असुस जेनफोन मैक्स प्रो M2 है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इसी फोन के बारे में बात करने वाले हैं और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको इसके अंदर स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, क्या क्या आपको यहाँ किस प्रकार से ये मोबाइल मिलेगा, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण अग्रवाल, आप देख रहे हैं टेक्निकल इंडियन। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल इंडियन चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये मिल जाएगा आपको असुस जेनफोन मैक्स प्रो M2 का बॉक्स और यहाँ काफी चेंज कर दिया है असुस ने बॉक्स की डिजाइन। तो यहाँ साइड में आपको जेनफोन मैक्स प्रो लिखा हुआ दिख जाएगा, पीछे आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। फिलहाल इसे कर लेते हैं ओपन और यहाँ आपको एक सेक्शन मिल जाएगा ऊपर जिसपे आपको वी लव फोटो लिखा हुआ है दोस्तों। और इसे ओपन करते ही आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, कुछ बेसिक पेपर वर्क मिल जाएंगे, सॉफ्ट कैश मिल जाएगा आपकी फ़ोन की सुरक्षा के लिए। और यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा फ़ोन, फिलहाल इसे रखते हैं साइड में। और बाकी बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको नीचे USB 2 माइक्रो USB केबल मिल जाएगी, चार्जर एडाप्टर मिल जाएगा। इसकी आउटपुट रेटिंग बात करें दोस्तों तो 5V 2A इसकी आउटपुट रेटिंग है। और यहाँ अब ले लेते हैं फ़ोन को हाथ में और आपको यहाँ 3 मेन हाइलाइट्स दिख जाएगी फ़ोन के रेपर पर, जो कि पहला यहाँ स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर, दूसरी है यहाँ 5000 mAh की बड़ी बैटरी और तीसरी है यहाँ प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास 6 के साथ में। और फिलहाल इसे निकाल लेते हैं रेपर से बाहर और यहाँ आपको ब्लू कलर में ये फ़ोन मिल जाएगा। काफ़ी जल्दी यहाँ आपको टाइटेनियम कलर में भी अवेलेबल होने वाला है। और यहाँ फिलहाल इसे कर लेते हैं बूट, शायद बैटरी हो, शायद दोस्तों, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल बैटरी है। राइट साइड में यहाँ बात करें तो आपको पावर लॉक अनलॉक बटन मिल जाएगा, ठीक उसके ऊपर आपको वॉल्यूम रोकर मिल जाएगा अप एंड डाउन के लिए। अपर साइड में आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाएगी, शायद यहाँ आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड लगाने के लिए स्लॉट दे रखा हो दोस्तों, मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। तो यहाँ आपको, जी हाँ दोस्तों, एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट आपको दे रखा है और मेमोरी कार्ड के लिए भी आपको स्लॉट दे रखा है, 2 SIM + 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। नीचे आपको हेडफोन जैक के लिए दे रखा है, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी। पीछे आपको यहाँ 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी। मोबाइल हैवी नहीं है दोस्तों, काफ़ी हल्का है। और यहाँ फिंगरप्रिंट दे रखा है, स्कैनर असुस की ब्रांडिंग है, स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और यहाँ आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा जो कि यहाँ है दोस्तों 12+5 MP कॉम्बिनेशन के साथ में। और यहाँ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K वीडियोस दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया गया है असुस की ओर से। नीचे आपको LED फ्लैश मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ आपको फ्रंट में मिल जाएगा दोस्तों काफ़ी अच्छा डिस्प्ले जो कि 6.26 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले है। और यहाँ आपको नॉच मिल जाएगी दोस्तों फ़ोन के ऊपर साइड, जो कि आपको लेकर आती है एक फ्रंट फेसिंग कैमरा 13 MP के साथ में। और फ्रंट फेसिंग कैमरे के साथ में आपको फ्रंट फेसिंग फ्लैश भी मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्क्रीन गोल गोल कोने के साथ में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ फ़ोन कर लेते हैं अब जल्दी से सेट दोस्तों। तो काफ़ी जल्दी जल्दी मैंने कर लिया है सेट इस फ़ोन को। तो यहाँ मैं ब्राइटनेस इसे काफ़ी कम कर देता हूँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा है इसकी ब्राइटनेस। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी कम कर रखी है लेकिन असुस की ओर से इस फ़ोन में ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। तो यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों सेटिंग्स में जाके। तो यहाँ शायद इसका जो एंड्रॉयड वर्ज़न मिलता है दोस्तों, फ़िलहाल ये काम करता है दोस्तों एंड्रॉयड वर्ज़न पे जो कि है 8.1 पे दोस्तों। सिक्योरिटी अपडेट आपको अक्टूबर महीने का मिल जाएगा, काफ़ी जल्दी यहाँ इसका अपडेट आ सकता है दोस्तों। और यहाँ स्टोरेज आपको मिल जाएगा 64 GB का अवेलेबल स्टोरेज मिल जाएगा, 53.49 GB का बैटरी आपको मिल जाएगी, 5000 mAh की बड़ी बैटरी। तो यहाँ कर लेते हैं दोस्तों अब इसकी फिंगरप्रिंट की बात दोस्तों, आपको यहाँ सिक्योरिटी कितनी मिलती है। तो यहाँ फिंगरप्रिंट यहाँ चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ कहीं पे भी लॉक स्क्रीन देखने नहीं मिल रही है और इंस्टेंट अनलॉक हो रहा है दोस्तों। काफ़ी पावरफुल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जैसे ही यहाँ टच कर रहे हैं ऐसे ही इंस्टेंट अनलॉक हो रहा है।
अब यहाँ बात करें दोस्तों फेस अनलॉक की, तो यहाँ फेस अनलॉक भी इंस्टेंट फेस अनलॉक हो रहा है, आपको इसमें भी लॉक स्क्रीन देखने एक सेकेंड के लिए मिलेगी दोस्तों और इंस्टेंट अनलॉक हो जाएगा। यानी यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक काफ़ी तेजी से काम कर रहा है दोस्तों। और यहाँ आप बात कर लेते हैं दोस्तों कैमरे की, तो यहाँ कुछ पिक्चर्स में आपको दिखा देता हूँ जो कि रियर कैमरे से खींची हुई है, और आप यहाँ रियर कैमरे से इसके कर सकते हैं 4K वीडियोस रिकॉर्ड। और यहाँ फ्रंट कैमरा भी आपका काफ़ी अच्छा है जो कि 13 मेगापिक्सल का है दोस्तों। और यहाँ बात कर लेते हैं आप प्राइस की दोस्तों, तो यहाँ जो पहला वेरिएंट है वो है 3 GB रैम प्लस 32 GB स्टोरेज वाला, इसकी प्राइस है दोस्तों 12,999 रुपये। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आपको काफ़ी कम प्राइस में असूस का मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ आपको 660 प्रोसेसर मिल जाता है, 6.2 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, सबसे बड़ी मेन बात आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। और यहाँ जो दूसरा वेरियंट है दोस्तों 4 GB रैम प्लस 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, उसकी प्राइस है 14,999 रुपये। और यहाँ जो तीसरा टॉपेस्ट वेरिएंट है दोस्तों 6 GB रैम प्लस 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला, उसकी प्राइस है यहाँ 16,999 रुपये। तो यहाँ प्राइस भी दोस्तों काफ़ी अच्छी रखी है असुस ने, तो ये काफ़ी अच्छा एक स्मार्टफोन है दोस्तों काफ़ी कम बजट में। तो यहाँ आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ये था असुस जेनफोन मैक्स प्रो M2। तो आपको कैसा लगा दोस्तों ये फ़ोन, और इसके बारे में आपके क्या विचारधारा है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये थी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो असुस जेनफोन मैक्स प्रो M2 की, तो आपको यहाँ कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे कि फेसबुक पेज पर और वेबसाइट पर, इन दोनों की लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी।